दातें और धातकारी। धातों के बारे में आम ख्याल ये है कि वो साफ वक्तपजीर बुलंद नुकताए पिघलाव होती हैं, लेकिन जदीद केमिस्ट्री के मुताबिक केमिस्ट्री की तारीफ के मुताबिक धात उसे कहते हैं जो आसानी से इलेक्ट्रॉन देने की सलाहियत रखती है। धातों की चंद मिसालें आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम हैं। गैर धातें, धातें हरारत और बिजली की मूसल होती हैं। वो जैव बरकी रो गुजारने से उनमें से बरकी रो आसानी से गुजर सकती है, और वो अशिया जिनमें से बरकी रो आसानी से गुजर ना सके वो गैर मूसल या गैर धातें कहलाती हैं। मेटलाइट्स या सेमी मेटल्स, जो धातों और गैर धातों दोनों के ख्वास रखती हैं, सेमी मेटल्स या मेटलाइट्स कहलाती हैं। धातों और गैर धातों में फ़र्क, तबई ख्वास में फ़र्क। धातें आम तौर पर सख्त और मजबूत होती हैं, लेकिन कुछ धातें नरम भी होती हैं, जबकि गैर धातें बिल्कुल नरम और ठोस शक्ल की होती हैं, माया और गैस शक्ल की होती हैं, बल्कि कुछ जो ठोस शक्ल की भी होती हैं। धातें गर्म करने पर लचकदार हो जाती हैं, जबकि गैर धातें गर्म करने पर लचकदार नहीं होती। धातों में जो रगड़ कर धातों को रगड़ कर जो चमकीलापन जो धातें होती हैं वो अगर उनको रगड़ा जाए तो वो चमकीलापन इख्तियार कर लेती हैं, जबकि गैर धातें उनको अगर रगड़ा जाए वो उसके बावजूद भी चमकीलापन इख्तियार नहीं करती। धातें रोशनी को मुनक्किस करती हैं, जबकि गैर धातें रोशनी को जस्त करती हैं। धातों के नुकताए पिघलाव और नुकताए फैलाव ज़्यादा होते हैं, जबकि गैर धातों के नुकताए पिघलाव और नुकताए फैलाव कम होते हैं। कीमियाई ख्वास में फ़र्क, धातें मस पर आइंस का रुझान रखती हैं, जैसे Li+, Fe3+ वगैरह वगैरह, जबकि गैर धातें मनफी ख्वास का रुझान रखती हैं, जैसे S-1, N-2। धातें पानी या भाप के साथ आसानी से तामुल कर लेती हैं, जबकि गैर धातें जो है पानी के साथ तामुल नहीं करती हैं। और जो धातें होती हैं वो तेजाब के साथ आसानी से तामुल करती हैं, जैसे Zn+2HCl, after reaction ZnCl2+H2, ZnH2SO4, after reaction ZnSO4+H2, जबकि गैर धातें जो तेजाब के साथ तामुल नहीं करती। धात मदनियात और कश धातें, मट्टी या चिटानों में मरकबात, कुछ धात के मरकबात होते हैं जिन्हें मदनियात कहते हैं, जबकि मदनियात की वो किस्म जो अपने अंदर धात के मुख्तलिफ ख्वास रखती है कश धात कहलाती है। कश धात दो हिस्सों पर मुश्तमिल होती है, धात और गैंग। धात जिसको मुफीद काम में लाया जाता है, और गैंग जो कि मट्टी और अलाइशों पर मुश्तमिल है। पाकिस्तान में आयरन के कई ज़खायर मौजूद हैं। पाकिस्तान में आयरन हेमाटाइट की शक्ल में जिलाए हजारा, लंगड़ियाल और कोहाट में पाया जाता है। इसके अलावा और आयरन कालाबाग, चागी और हजारा में मिलता है। एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में 30 करोड़ टन आयरन मौजूद है। धातकारी, कश धात में धात की मिकदार आम तौर पर कम होती है, इसलिए इससे खालिस धात को हासिल करने के लिए उसके कानकुनी
और कशिंग कानकुनी और तकफीफ तकफीफ यानी के धात को अलग करना दात की सफाई और दहलाई यानी के दात की तखलीस सबसे पहले कानकुनी के चंद मराहिल हैं कानकुनी क्रशिंग ग्राइंडिंग शेकिंग जगिंग मग्नतीस के जरिए अलाइटिंग कानकुनी कानों पहाड़ों या चट्टानों से खुदाई के जरिए धातों का निकालना कानकुनी कहलाता है ये काम मजदूरों इंजीनियर्स की मदद से किया जाता है इस काम से पहले उस जगह का सर्वे करके ये तय कर लिया जाता है कि यहाँ से धात हासिल करना माली तौर पर सूदमंद होगा कि नहीं क्रशिंग धात उन चट्टानों से लिए गए धातों को पीस टुकड़ों में कंकरों में तब्दील कर लिया जाता है जिसे क्रशिंग कहते हैं ग्राइंडिंग उन कंकरों को मशीन में डालकर पीस लिया जाता है और ये भुरभुरे पाउडर में तब्दील हो जाते हैं शेकिंग और जगिंग दूसरे ममालिक की तरह पाकिस्तान में लेबर सस्ती है इसके बरक्स धातों में कच धात को गैंग से अलग करने के लिए उसको ब्लास्ट फर्नेस इस्तेमाल की जाती है तकफीफ यानी धात को अलग करना चूँकि धात कच धात खालिश नहीं है इस वजह से हम उसे ब्लास्ट फर्नेस में डालकर ऊँचे दर्जा हरारत पर गर्म करेंगे जिससे वो जो है उससे गैंग से ठोस माया अलहदा हो जाएगा ओपन हार्ट प्रोसेस ये कमरा नुमा भट्टी ईंटों पर मुश्तमिल होती है इसको इसके नीचे आग लाई जाती है और इसमें दांत को डाला जाता है फिर जब एक तरफ से दांत पिघल कर बाहर निकलती है और दूसरी साइड से एग्जॉस्ट गैसें बाहर निकल जाती हैं और आयरन मौजूदा ज़माने की अहम ज़रूरत रहा है और जदीद सनत के ज़माने में और ये सनत की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है इसकी कई कच दातें अहम और मशहूर ये हैं मैगाटाइट और मैगाटाइट वगैरह इसकी कई इकसाम हैं पिग आयरन कास्ट आयरन रॉट आयरन और स्टील पिग आयरन ये आयरन की सबसे घटिया क्वालिटी है इसमें कार्बन की 0.2 से लेकर 1.5% तक कार्बन मौजूद होती है इसलिए जो है ये इसको पिग आयरन कहते हैं कास्ट आयरन पिग आयरन को पिघला कर उसको ठंडा कर दिया जाए तो कास्ट आयरन हासिल हो जाता है अगर इसको आहिस्ता ठंडा किया जाए तो सफ़ेद कास्ट आयरन हासिल होता है और अगर जल्दी ठंडा किया जाए तो सुर्ख कास्ट आयरन हासिल होता है रॉट आयरन ये लोहे की या आयरन की आला तरीन किस्म है इसको आयरन ऑक्साइड के साथ गर्म करने से हासिल किया जाता है और ये रॉड आयरन कहलाती है स्टील ये आयरन घी की किस्म है इसको हम आयरन के हम मानी के तौर पर इस्तेमाल करते हैं लेकिन इसको लोहे के इस्तेमाल के मद्देनजर रखते हुए इसमें फास्फोरस मैगनीज वगैरह डालकर हसब ज़रूरत लोहे के ख्वास पैदा कर लिए जाते हैं आयरन का हसूल कानकुनी के जरिए से कच धातुओं को आयरन ऑक्साइड के साथ हमें आयरन ऑक्साइड हासिल होती है जबकि हमें एक खालिस आयरन चाहिए इस वजह से हम इसके लिए हमें एक आयरन के हसूल के लिए हमें इस एक मरहले से गुजरना पड़ता है इसमें हमें एक ब्लास्ट फर्नेस जिसकी ऊंचाई 225 फुट और गुंजाइश ज़रूरत के मुताबिक रखी जाती है इसका टेम्परेचर 1500 से लेकर 3000 तक रखा जाता है इसमें धात को डाला जाता है और इसमें कच धात आयरन और दूसरी चीज़ें डाली जाती हैं जिसकी वजह से तामुर शुरू होता है जिसके नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ तामुर करके कोक पैदा हो जाती है
को दूसरे दोबारा कॉक से तामुल करके कार्बन मिसिन कार्बन डाइऑक्साइड पैदा करती है। कई धात में मौजूद मजीद की साफ़तें एल्युमिनियम ऑक्साइड रेत की शक्ल में मौजूद होता है जो कि इसके साथ तामुल करके कुछ चीज़ें बनाता है। इस तरह से हासिल होने वाले आयरन को पिग आयरन कहते हैं। अब इसको थोड़ा सा पिघला कर रॉट आयरन कास्ट आयरन हासिल किया जाता है, जबकि रॉट आयरन को आयरन ऑक्साइड के साथ पिघलाने से हमें रॉट आयरन हासिल होता है। ये आयरन की मुख्तलिफ किस्में हैं जिसको हम आयरन के सुरके जरिए हासिल करते हैं।